हेलो दोस्तों, देसी फूड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्या है ना कि आज हम काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा है कि सब्जी हम आज से 10 दिन पहले बनाए थे, लेकिन अपलोड आज हो रहा है। खैर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मसाला में आपको लेना है लहसुन और 2 प्याज, और बाकी जो गर्म मसाला जीरा मिर्च वगैरह होता है ये तो सभी जानते ही हैं। क्या है ना कि कभी कभी कम मसाले से भी अच्छी सब्जियाँ बनाई जा सकती है। यहाँ पर हम सबसे पहले मसालों को पीस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मसालों को 3 स्टेप में पीसेंगे। पहला बाल थोड़ा सा ऐसे करके इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, जिससे ये सारा कुछ फूल जाएगा अच्छे से, मतलब भीग जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये सॉफ्टली हम लोग पेस्ट बना सकते हैं। गोभी को आपको ऐसे ही करके तोड़ लेना है, बीच में आपको एक कट लगाना है। ज़्यादा कट नहीं लगाना है, नहीं तो ये गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है, मतलब उतना भी छोटा नहीं कि फ्राई करते वक्त ही ये साग हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने आलू को बॉईल करके रखा है। आलू को थोड़ा सा नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये फट जाएगी बीचों बीच। और तेल को गर्म करना है, गर्म इतना कि धुआं आने लगे तेल से। उसके बाद हम लोग डालेंगे आलू को, साथ ही इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी, ठीक है। और इसे अच्छे से फ्राई करना है। क्या है ना कि कितनों लोगों का आलू फ्राई करते वक्त आलू चिपक जाती है कढ़ाई में, अगर नॉन स्टिक वाला ना हो तो इसलिए बोलता हूँ कि जब तक धुआं ना आए तेल से तब तक नहीं डालना है। धुआं आ जाने के बाद जो आप अगर आलू को फ्राई करेंगे ना, तो वो बिल्कुल एक लेयर की तरह आलू के ऊपर आ जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। खैर, वैसे अभी भी ये माउथ वाटरिंग लग रही है, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और जहाँ रही बात गोभी को फ्राई करने की, तो गोभी को सेम आलू के तरीके से ही फ्राई करना है। और अगर आपके पास गोभी थोड़ा सा कम हो तो इसे आप ढककर ना ही फ्राई करें, क्योंकि ढककर फ्राई करने से क्या होता है ना, वो गल जाती है। टमाटर का ये फालतू वाला हिस्सा है, इसे कट करके निकाल देना है। और टमाटर ऐसे कट करना है ना कि कुछ लोगों को ये होता है कि वो टमाटर खाना में देखना नहीं पसंद करते, तो उनके लिए आप पतले पतले काटें, और जिनको टमाटर पसंद है अलग से उनके लिए आप मोटा काट सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने मीडियम साइज काटा है कि ना मोटा ना पतला। हालांकि जब हम मसाला को फ्राई करेंगे ना अच्छे से, तो ये खुद गल के पेस्ट बन जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी रेसिपीज़ के लिंक डाले हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसे गोभी को फ्राई करेंगे, और इसे तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, और हाई फ्लेम पे, ठीक है। और इसे चलाते रहना है, क्योंकि लो फ्लेम पे करेंगे और नमक डालेंगे तो वो गल जाएगी। इसमें हमने कोई भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि हम आलू फ्राई करते वक्त नमक को डाले थे, तो वो वाला जो नमक बचा हुआ था ना, वो गोभी में आ जाएगी। अब ये जो तेल बचा, तो तेल में हम लोग थोड़ा सा प्याज को डालेंगे। देखिए क्या होता है ना कि प्याज को फ्राई करते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल का जो टेम्परेचर हो ना, वो बिल्कुल सेम हो। ऐसा नहीं कि आँच थोड़ी सी ठंडी हो गई तो हम प्याज को डालें, मतलब तेल गर्म होना चाहिए और प्याज को डाल के आपको इसे फ्राई करना है। इसे तब तक फ्राई करना है कि जब तक ये ऑरेंज कलर के, मतलब हल्के ब्राउन से ना हो जाए। मसाला को हमने 2-3 बार फिर से वो मिक्स कर लिया था, तो मसाला बिल्कुल काफ़ी पेस्ट की तरह हो जाती है। क्या होता है ना कि मिक्सी का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा दाने दाने जैसे होते हैं, इसलिए मैं पहले 1-2 राउंड घुमा कर उसे तोड़ लेता हूँ और पानी में डाल देता हूँ, ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। और फिर तब तक हम आलू और गोभी को फ्राई करते वक्त उसी वक्त मसालों को और भी पेस्ट कर लेते हैं। और टमाटर को डाल देना है प्याज ब्राउन होने के बाद, फिर मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। मसालों को आपको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, और मसालों को फ्राई तब तक करना है कि जब तक ये चिपकने ना लगे। अब आपने नोटिस किया होगा, अगर प्याज अच्छे से भुना हुआ नहीं है तो ये बहुत जल्द चिपकने लगती है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसे फ्राई कर देंगे तो ये जल्दी नहीं चिपकेगी। अब जो मिक्सी का जो पॉट था, मैंने उसको वो धोकर पानी डाल दिया है, तो आप भी इसे डाल दें। अब हमारा जो आलू है, तो कुछ लोगों का ये इशू होता है कि इसमें आलू में नमक नहीं गया होगा अच्छे से, तो हम उनकी खुशी के लिए आलू को बीचों बीच काट दे रहे हैं। हालांकि आलू को जब प्रेस करते हैं ना, तो ये खुद फट जाती है, तो उसमें नमक अच्छे से चली भी जाती है, लेकिन फिर भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे इसमें नमक नहीं गया है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पे मसाला जब चिपकने लगे ना, तब उसमें आलू प्याज को डालना है, इसे अच्छे से फ्राई करना है 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही मिनट आपको मसाला मतलब अच्छे से मिला लेना है, और पानी डाल देना है।
और इसे हाई फ्लेम पे हम लोग उबाल लेंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए उबालेंगे क्योंकि ऑलरेडी गोभी अच्छे से फ्राई किया हुआ है और आलू तो सिझा हुआ है ही। जब ये एक बार उबल जाएगी, फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे, जैसे कि गैस वगैरह में होता है ना कि 3 नंबर, तो वो सबसे लास्ट वाला कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे खुद उबलेगी और फिर ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 मिनट के बाद इसे उतार देना है। अब देख पा रहे हैं कि सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और देखने में भी काफ़ी लजीज लग रही है। अब आप ऐसे सब्जियों के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो या फिर चावल के साथ। खैर, हमारे घर में आज दाल भी बना है लेकिन हम सब्जी चावल ही खाते हैं। आपको क्या पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी इन सभी वीडियोज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।